सत श्री अकाल दोस्तों, मैं किरणवीर सिंह सिखू ते तुसीं देख रहे हो पंजाब स्टोरी। अज असीं एक नवी स्टोरी नूं लै के तुहाडे सामने रूबरू होण जा रहे हां। अज सामने मेरे एक किताब पई है जिहड़ी तुसीं एक किताब देख रहे हो। इस किताब का नाम है सिख सियासत दा शाह असवार जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा। ये मेरी पलेठी पुस्तक है। ये आप किताब का गल्लां करनी है कि ये किताब दे विच की लिखिया। ये किताब सिर्फ दे सिर्फ जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा दे जीवन नाल संबंधित नहीं। इस किताब दे विच श्रोमणी अकाली दल किवें होंद विच आया, उस तों पहलां श्रोमणी कमेटी किवें होंद विच आई, वो पड़ा दर पड़ा होंदे हुए उन्हां दे उस समय की गल की गई है। 1920 तो लैके 1960 तक उस दे इतिहास की गल की गई है। हैडलर ढांचे की गल की गई है, इस विच आनंदपुर साहब के मते की गल की गई है, इस विच होर बहुत सारिया जानकारियां गल्लां लिखियां गई ने इस किताब विच। सब तो पहला तत्कारा है मुखबंद जो प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू का लिखा हुआ है। दो शब्द जथेदार करनैल सिंह पंजोली ने लिखे हुए हैं। कलर फोटो लाइया हुई ने बिच हार्ड जल्द की बनी हुई है किताब सिख सियासत दा शाह असवार जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा। इस की लिखिया मैं एक क्यों वीडियो क्यों बना रहा, मैनू जदों एक किताब बारे किसी सज्जन कोई जानकारी मिलती है ना, तो एक ही गल मैनू सवाल उहदे वल्लों कीता जांदा, क्योंकि मैनू मेरे नाल इदां होया। एक सज्जन का रिप्लाई आया मैनू, कहण लगे कि यार ये टौड़ा जदों अकाल तख्त साहब ते अटैक किया गया इंदिरा गांधी की सरकार वालों, तो हाथ खड़े करके बाहर आया सी, ये गदार बंदा सीगा। मेरा इक्को ही जवाब आ कि वह गदारी बारे इस किताब दे विच ब्रीफ दे विच लिखा गया। सारिआं नूं पता कि टौड़ा गदार है, तुसीं इह पढ़ो तुहानूं पता लगेगा कि जथेदार टौड़े ने गदारी किवें कीती, की प्लैन सी, किवें उह हथ खड़े करके बाहर आया। ये सारिया गल्लां जथेदार टौड़ा के जीवन नाल संबंधित हुण सारिआं नूं इह पता है ना, कह दिंदा अगला सुनी सुनाई गल। मैं भी अक्सर यह गल किताब लिखण तों पहलां अक्सर मेरे भी दिमाग में यही गल चलती सी, पर जदों मैं इस बारे जानकारी इकट्ठी की तो लिखी तो फिर कुछ गल्लां होर ही निकलियां भी। जदों अकाल तख्त साहिब ते अटैक होया तो वह उस समय कित्थे सी जथेदार टौड़ा, तो वह फिर उन्होंने किदा उस उत्थे जथेदार टौड़ा की संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले किदा मुलाकात हुई, उन्होंने की गल्लां कीतियां, तो बाहर क्यों निकल गए फिर वो उत्थे लड़े क्यों नहीं, है ना। ये सारिया गल्लां ये मैं विच ब्रीफ दे विच लिखियां। किसी दे अक्सर अपना फितरत होंदी है मनुख की, जो किसी ने कहता तो वह सुन लिया तो उत्ते आपां अमल कर लैने आ, जिन्ना चर उन्होंने पढ़ांगे नहीं तो पता किवें लगेगा। फिर अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी का तो मैं पहला ही जिक्र किया के विच लिखा, राज्य जिहड़ी खुदमुख्तियारी लई फैडरल ढांचे की मंग की गई आ, जां आनंदपुर साहब के मते की गल की गई है, जां जिहदा टौड़ा चाहुंदे सन कि वक्खरा राज होवे खालसे का, जिदा खालिस्तान की मंग उठी सी भी उन्होंने की सी, वो चाहते सी जां नहीं चाहते सी, उन्होंने नज़रिया की सी इस प्रति, उसका विच जिक्र किया गया है। संत चनण सिंह का, संत हरचंद सिंह लौंगोवाल उन्हां दा जिक्र किया, उन्हां दा जीवन का जिक्र किया। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की जिहड़ी डैथ हुई आ, क्यों गोलियां मार के उन्होंने मार दिता गया, इहदा जिक्र किया। जगदेव सिंह तलवंडी बारे लिखा गया, सरदार प्रकाश सिंह बादल बारे लिखा गया, सुरजीत सिंह बरनाला, सिमरनजीत सिंह मान, कौन कौन आ सिमरनजीत सिंह मान,
सारी जानकारी विच किताब भावें छोटी है पर छोटी दे विच बहुत कुछ समा दिता गया। श्रोमणी अकाली दल का इतिहासिक पिछोकड़ की रहा तो श्रोमणी अकाली दल में जथेदार टौड़े की भी कार्यकारी की सी जां श्रोमणी कमेटी के जथेदार टौड़े ने कि काम किए कोई चंगा काम भी किया वह भी लिखे होया माड़ा काम भी किया सब लिखा होया। तुसीं जदों पढ़ोगे ना शायद नहीं पक्का मैं दावे नाल कह सकदा कि तुहाडा जथेदार टौड़ा प्रति रवैया बदल जाएगा। तुहानूं पता लग जूगा कि असल में यार इंसान वह किदां दा सी। ये सारिया गल्लां विच लिखिया गई ने। जिहड़ा अमृतसर ऐलाननामे बारे बहुत लोगों नूं घट जानकारी होगी अमृतसर ऐलाननामे दे विच बकायदा कापी रिजनल कापी छापी गई है उस विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सी जथेदार टौड़ा बरनाला सिमरजीत सिंह माण इन्होंने अकाल तख्त साहब से सहुं चुकी आ किवें फिर इन्होंने सहुं चुकण तों बाद कि आगू पिछे हटे आ बादल दे नाल किदां दा रहा। श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी अकाली दल का सिद्धांत जिहड़ा डिग्गिया जिहनूं आपां अक्सर कहिंदे श्रोमणी अकाली दल बादल बन गया कि अक्सर श्रोमणी अकाली दल बादल बन के रह गया। वह श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल सिखां दे लहू नाल भिज्जी संस्था अज वाकई उहदे विच इन्ना नंगार आ गया क्यों आ गया। मोगा कानफ्रेंस दे विच 1996-75 श्रोमणी अकाली दल की वरेगंढ मौके मोगा कानफ्रेंस के जिहड़े फैसले ले गए वो किहड़े फैसले सीगे जिन्हां करके श्रोमणी अकाली दल दे विच तकरीबन नंगार आ गया। श्रोमणी अकाली दल अज बसपा नाल गठजोड़ करती है। जथेदार टौड़ा ने 1997 दीआं इलैक्शनां तों पहलां ही कह दिता सीगा कि सानूं बसपा दे नाल गठजोड़ कर लेना चाहिए है तो किहड़े कारण रहे कि उदों भाजपा नाल गठजोड़ हो गया। खालसा पंथ की 300 साल शताब्दी जां विरासत खालसा दा जो नींव पत्थर रख्या गया इहदे पिछे की घटनावां वापरियां 1978 निरंकारी कांड होने तो बाद अकाल तख्त साहब तो एक हुक्मनामा राही भी किसी सिख ने श्री अकाल तख्त साहब के उस हुक्मनामे उलंघना ना करके निरंकारियां नाल वरतना नहीं रोटी बिटी की सांध नहीं रखनी पर इस दे बावजूद भी जथेदार टौड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे तो वह निरंकारी भवन पटियाला गए वो सारा घटनाक्रम लिखा गया बकायदा जाने तो बाद माफ़ीनामा दीआं चिट्ठियां तख्त ते उस समय विराजमान सन जो जथेदार भाई रणजीत सिंह जी वो सारिया चिट्ठियां वो फोटोआं निरंकारी भवन का सारा कांड जथेदार टौड़ा गए किवें गए क्यों गए किहदे कहण ते गए फिर उन्होंने किवें माफ़ी मंगी कि उन्होंने माफ़ कर दिता गया। ये सारिया गल्लां किताब दे विच इह लिखियां होईयां ने। जथेदार टौड़ा ने सिख सियासत नूं जिहड़ी नवीं लीडरशिप दित्ती आ पार्टी भी उन्होंने अपनी वक्री पार्टी बनाई सर्व हिंद श्रोमणी अकाली दल का गल जिक्र उन्होंने वक्री लीडरशिप वक्री दित्ती आ जिदा परिवारवाद हुण अक्सर आपां वेखदे आ अकाली दल दे विच भी ते कांग्रेस दे विच भी कि परिवार जेकर फादर साहब किसी दे MLA MP आ ते गां उहनां दा मुंडा अक्सर ही है सारिआं दा कोई इक दा नां नहीं लवांगा मैं किसी का नाम ही नहीं लवांगा सारिआं नूं पता कि जेकर किसी का बजुर्ग MLA MP मंत्री रहा तो हुण अज उहनां दा मुंडा पर जथेदार टौड़ा ने यह कल्चर किते ना किते मैनूं लगा कि उन्होंने लैके नहीं आता भी किसी अपने परिवार को लैके आता कोई उन्हें जथेदार टौड़ा ने जायदाद नहीं बनाई। मैं पहली वीडियो तुहानूं उहदा घर दिखाया जथेदार टौड़ा का मुंडा है ना कि वह घर किदां दा सी उहदा रहण बसेरा किदां दा सीगा। 27 साल श्रोमणी कमेटी के प्रधान रहे आ श्रोमणी अकाली दल दे विच भी रहे आ। एक घटना मैं तुहाडे नाल इत्थे जिक्र करदा मैं विच वीरवा भी पाया भी जदों किते भी गल हुंदी सी ना सुरजीत सिंह बरनाला हुणी पढ़े लिखे सी है ना बहुत बादल साहब भी पढ़े लिखे आ सत्कारयोग ने शख्सियत तो जथेदार टौड़ा घट पढ़े लिखे सी पर सब तो वध अकाली दल दीआं मीटिंगां दे विच जेकर किसी होर पार्टी नाल किसी होर लीडर नाल केंद्र तक गल करनी तो जथेदार टौड़ा ही कर दिंदा सी।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਛਾਤਰ ਸੀ ਦਿਮਾਗ, ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੀ ਅਣਬਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ? ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 80 ਬਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ 350 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 250-250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।